बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रसोई जायका। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह है एक सैंडविच जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है लेफ्ट ओवर यानी कि बची हुई रोटी के साथ और बची हुई भाजी यानी सब्जी के साथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं ये किस तरह बना रही हूँ। लेफ्ट ओवर यानी कि रात की बची हुई रोटियाँ ले लीजिए और उसके आधे साइड पर आप अप्लाई कीजिए हरी चटनी जो कि सब घरों में होती है, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ और रोटी के दूसरे साइड में मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेयोनीज। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी उस हिसाब से रख सकते हैं जितनी भी आपको मेयोनीज चाहिए। अच्छे से लगा लीजिए इसके आधे हिस्से पर और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बची हुई सब्जी जिसे मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पर मैं पाव भाजी के साथ जो सर्व करते हैं भाजी वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके घर में जो भी सब्जी पकी हुई है उसे आप हल्का सा मैश कर लीजिए और वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ मैं मोजरेला चीज़, आप चाहें तो इसकी जगह चेडार चीज भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। मोजरेला चीज डालने का यही मकसद था कि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है और अच्छा आता है सैंडविच में। अब इसे फोल्ड कर लीजिए और फिर पैन में थोड़ा सा बटर डाल के इसे अच्छे से सेक लेना है, फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से। आप चाहें तो ऑयल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ सिर्फ इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है बटर से इन सैंडविचेस का और बनाने में बेहद आसान है। जब भी आपका मूड हो और घर में ये चीज़ें मौजूद हो तो आप झटपट से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बेहद लजीज। और रोटियां तो हर घर में बची जाती हैं और सब्जी भी आमतौर पर बची जाती है, तो उस टाइम समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। तो आप झटपट से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट के जरिए कि आपको ये कैसी लगी। अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है एक तरफ से, ये देखिए। इसी तरह हमें दूसरे साइड से भी अच्छे से दबा दबा कर सेक लेना है। इससे जो हमने अंदर चीज डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। यही वजह थी कि मैंने मोजरेला चीज यूज की कि जब आप इसको कटिंग करेंगे तो एक चीजी फ्लेवर आएगा इसमें और जो खिंचाव होता है पिज्जा में जैसे खिंचाव होता है उसी तरह ये सैंडविच में भी आएगा इस चीज की वजह से। अब चलिए प्लेटिंग करते हैं सैंडविचेस की। आप चाहें तो एज इट इज सर्व कर सकते हैं प्लेट में डाल के, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा अलग तरह से सर्व करना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं बीच में से इसकी कटिंग करूंगी फिर सर्व करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी क्रंची बनकर आया है सैंडविचेस। ये देखिए अंदर से चीज भी मेल्ट हो गई है। आप इसे हरी चटनी या कैचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन तो इसका चटनी के साथ ही रहता है। और अगर आप बिना चटनी के खाना चाहें तो ये भी बहुत मजेदार लगता है। तो लीजिए बनकर रेडी है क्विक एंड इजी रेसिपी बची हुई रोटी के साथ। आई होप आपको रेसिपी समझ में आई होगी, बहुत ही इजी थी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ ऐसे ही क्विक एंड इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू सून।